हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, आज हम नरेशन में सीखने वाले हैं टेंस में परिवर्तन। तो फ्रेंड्स, टेंस में या वर्ब में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है सीता सेज मीरा इज इल, और दूसरा सेंटेंस है सी विल से टू मी आई शैल अटेंड द क्लास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है और दूसरे सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है। तो फ्रेंड्स, रूल ये है कि अगर किसी सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नहीं बदलता है, मीन्स रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब नहीं बदलेगी। तो फ्रेंड्स, तो पहला सेंटेंस हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हो जाएगा सीता सेज, इसके बाद में अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है हमारा दैट कॉन्जंक्शन, उसके बाद में मीरा इज इल। इसी तरह से हमारा दूसरा सेंटेंस है सी विल से टू मी आई शैल अटेंड द क्लास, तो हमारा दूसरा सेंटेंस हो जाएगा सी विल से टू, से टू के बाद में हमारा ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है इसलिए बदल जाएगा टेल मी, इसके बाद में कंडीशन आएगा दैट, इसके बाद में आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट हमारा सी, तो ये हमारा जाएगा सब्जेक्ट के प्लेस पर तो सी ही रहेगा। उसके बाद में आई वी के साथ शैल आता है, बाकी सबके साथ विल, तो यहाँ पर आएगा विल अटेंड द क्लास। तो फ्रेंड्स, हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो आपको दो तरीके की मिलेंगी, एक वो जिसमें ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे हमने लिखा से, ये अगर डायरेक्ट स्पीच में है तो इसका इनडायरेक्ट भी होगा से, अगर लिखा हुआ है सेज तो इसका होगा सेज, अगर लिखा हुआ है सेड तो इसका सेड ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनके बाद हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसी तरह से अगर लिखा हो से टू तो हो जाएगा टेल में, अगर लिखा हुआ है सेज टू तो बदल जाएगा टेल्स में, अगर लिखा हो सेड टू तो बदल जाएगा टोल्ड में। क्यों बदला? क्योंकि से टू के बाद में कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो इसी तरह से हमारी वर्ब चेंज हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में दी हो, लेकिन जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दी हो तब क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। हमारा पहला सेंटेंस लिखा हुआ है द बॉय सेड आई अटेंड माई क्लास रेगुलरली, दूसरा है अनिल सेड अंजू राइट्स ए लेटर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम दोनों सेंटेंस में देख रहे हैं कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, लेकिन जब हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं, तो हमारा अटेंड फर्स्ट फॉर्म में है और दूसरा राइट हमारी फर्स्ट फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर हमने एस जोड़ दिया है। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच चेंज हो जाएगी पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट में हमारी वर्ब होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसको चेंज करते हैं तो हो जाएगा द बॉय सेड, हमारा सेंटेंस असर्टिव इसलिए आएगा दैट, आई हमारा चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा है द बॉय, द बॉय हमारा सिंगुलर नंबर का मस्कुलिन जेंडर का है इसलिए आएगा ही, अब अटेंड का हो जाएगा अटेंडेड,
माय हमारा चेंज हो जाएगा इस ही के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा हिज क्लास रेगुलरली। इसी तरह हमारा दूसरा सेंटेंस है अनिल सेड, तो ये हो जाएगा अनिल सेड दैट। यहां पर हमारा नाम ही लिखा हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अंजू राइट्स लिखा है तो हो जाएगा रोट अ लेटर। तो फ्रेंड्स यहां पर दो सेंटेंस और लिख दिए हैं। तो यहां पर जब हम रिपोर्टेड स्पीच को देखते हैं तो पता चलता है हमारे सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है और इसमें टाइम नहीं दिया होता है। तो फ्रेंड्स जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो जब इसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो चेंज हो जाएगी पास्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई एम या इज लिखा हुआ है, तो इसको जब हम पास्ट में चेंज करेंगे तो इसकी जगह पर हो जाएगा वाज या वेयर। तो हमारा पहला सेंटेंस हो जाएगा विजय सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में। पहले क्यों नहीं बदला था? क्योंकि वहां पर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इसलिए चेंज हो जाएगा टोल्ड में। इसके बाद में आएगा दैट। अब आई हमारा चेंज हो जाएगा विजय के अकॉर्डिंग। अब विजय हमारा मस्कुलिन जेंडर का सिमिलर नंबर का सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ में आएगा ही, और ही के साथ आएगा वाज। फीलिंग फीलिंग हो जाएगा अनवेल। इसे दूसरा सेंटेंस है मोना सेड, तो यहां पर हो जाएगा मोना सेड। इसके बाद में दैट सलोनी, नाम लिखा हुआ है तो सलोनी ले रहेगा सलोनी। इसके बाद में वाज स्लीपिंग। तो फ्रेंड्स आइए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो फ्रेंड्स हमारा पहला सेंटेंस लिखा हुआ है रेखा सेड टू मी रोशनी हैज डन द वर्क, और दूसरा सेंटेंस है द पीपल सेड वी हैव लॉस्ट ए ग्रेट लीडर। तो फ्रेंड्स जब हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखते हैं तो हम पाते हैं कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो ऐसे सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हमारी ये जो रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंज हो जाएगी पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ हम चेंज करते हैं, तो यह हो जाएगा रेखा सेट टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, उसके बाद मी कंजंक्शन लगाएंगे दैट, रोशनी किसी का नाम है इसको ऐसे लिखा रहने दें, अब हैड डन को कर देंगे हैड डन, उसके बाद में द वर्क। अगला सेंटेंस हमारा हो जाएगा द पीपल सेड, कंजंक्शन दैट लगाएंगे और वी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा द पीपल जो कि प्लूरल है इसलिए यहाँ पर आएगा दे। अब हैड लॉस्ट का हो जाएगा हैड लॉस्ट अ ग्रेट लीडर। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं कुछ और सेंटेंस की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखे हुए दोनों सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैं। तो जब हम इसकी इनडायरेक्ट बनाएंगे ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच चेंज हो जाएगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो चेंज करते हैं, तो पहला हो जाएगा रवि, सेट टू का हो जाएगा टोल्ड अमन, उसके बाद कंजंक्शन दैट लगाएंगे, उसके बाद में मानसी Has been reading तो हो जाएगा had been reading। For 2 hours और दूसरा सेंटेंस है मीरा said to me I have been reading the Ramayana since morning तो यहां पर हो जाएगा मीरा said to को told में चेंज करेंगे, उसके बाद में मी कंजंक्शन दैट, आई हमारा चेंज हो जाएगा मीरा के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा सी, उसके बाद में हैव बीन रीडिंग चेंज हो जाएगा
had been reading. The Ramayana. Since morning. तो फ्रेंड्स मूव करते हैं अगले सेंटेंस की ओर. तो हमारे अगले सेंटेंस लिखे हुए हैं मोहन सेड टू मी आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे. और दूसरा है राकेश सेड आई सॉल्वड माय पेपर इजीली. तो फ्रेंड्स यहां पर जब हम रिपोर्टेड स्पीच को देखते हैं तो हम पाते हैं कि सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है. तो फ्रेंड्स जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में हो तो उसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में. तो चेंज करते हैं तो हो जाएगा मोहन सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे. उसके बाद मी कंजंक्शन दैट लगाएंगे. उसके बाद आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो चेंज होता है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. सब्जेक्ट मोहन है और मैस्कुलिन जेंडर का है और फर्स्ट पर्सन का है इसलिए आ जाएगा यहाँ पर ही. और प्लेड का हो जाएगा हाइड प्लेड फुटबॉल तो यस्टरडे चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे. प्रीवियस डे और दूसरा लिखा हुआ है राकेश सेड आई सॉल्व माय पेपर इजिली. तो यहां भी हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हमारी पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में. तो हो जाएगा राकेश सेड दैट आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो राकेश के अकॉर्डिंग चेंज होगा साथ में आएगा ही. अब सॉल्व हो जाएगा हैड सॉल्वड माय चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो इसका हमारा पजेसिव केस होगा हिज पेपर इजली. तो फ्रेंड्स हमारे अगले सेंटेंस लिखे हुए हैं अंजू सेड आई वाज रीडिंग न्यूज़पेपर. दूसरा है मोहिनी सेड अमित वाज गोइंग टू द विलेज. तो फ्रेंड्स जब हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखते हैं तो हम पाते हैं कि सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में. जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. अगर चेंज करते हैं तो हो जाएगा अंजू सेड दैट आई हमारा चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो यहाँ हो जाएगा ही वाज रीडिंग हो जाएगा हैड बीन रीडिंग न्यूज़पेपर. इसी तरह दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है मोहिनी सेड अमित वाज गोइंग टू द विलेज तो हो जाएगा मोहिनी सेड दैट अमित वाज गोइंग हो जाएगा हैड बीन गोइंग टू द विलेज. तो फ्रेंड्स हमारा अगला पॉइंट है कि कंडीशंस व्हेन द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज्ड. कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है वो चेंज नहीं होगी. तो फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच का हमारा जो सेंटेंस लिखा है वो पास्ट परफेक्ट में है. तो जब कभी भी हमारे रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट सेंटेंस लिखा हो तो वो चेंज नहीं होगा. तो इसको चेंज करते हैं तो जाएगा ही से टू बदल जाएगा टोल्ड में और उसके बाद मी कंजंक्शन लगाएंगे दैट. अब आई चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो यहाँ आ जाएगा ही हैड डन जिसका हो जाएगा दैट वर्क. तो यहाँ हम देख रहे हैं हमारी वर्ब में कोई भी चेंज नहीं हुआ है. दूसरा सेंटेंस है ही सेड टू मी मुकेश हैड बीन वर्किंग फॉर एन आवर. तो फ्रेंड्स जब इस सेंटेंस को देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा सेंटेंस ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है. तो फ्रेंड्स रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो वो भी चेंज नहीं होता है. तो फ्रेंड इसकी जब हम इंडेक्स बनाएंगे तो हो जाएगा ही
से टू हो जाएगा टोल्ड मी। इसके बाद में कंजंक्शन दैट लगाएंगे उमेश हैड बीन वर्किंग फॉर एन आवर। तो फ्रेंड्स इसके अलावा भी कौन सी कंडीशंस होती हैं जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब नहीं बदलती है, तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने चार सेंटेंस लिखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स जब हम पहले सेंटेंस की रिपोर्टेड स्पीच के स्टेटमेंट को देखते हैं तो हम पाते हैं कि स्टेटमेंट हमारा एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए इसकी वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। तो पहला हमारा है यूनिवर्सल ट्रुथ, तो चेंज हो जाएगा द टीचर सेड दैट। उसके बाद में पूरा सेंटेंस ऐसे ही उतार देंगे इज राउंड। तो दूसरा सेंटेंस हमारा एक हैबिचुअल एक्शन है, तो हैबिचुअल एक्शन में भी हमारी वर्ब नहीं चेंज होगी, तो ये हो जाएगा आई सेड दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। जो तीसरा संडे लिखा है वो है द प्रिंसिपल सेड गांधी जी डाइड इन 1948। तो फ्रेंड ये स्टेटमेंट हमारा एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो हिस्टोरिकल फैक्ट भी हमारा चेंज नहीं होगा। तो तीसरा सेंटेंस हमारा है हिस्टोरिकल फैक्ट, तो चेंज हो जाएगा द प्रिंसिपल सेड दैट गांधी जी डाइड इन 1948। तो फ्रेंड्स हमारा चौथा सेंटेंस है वो लिखा है माई मदर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हमारी एक प्रोवर्ब है, तो प्रोवर्ब में भी कोई चेंज नहीं करते हैं। तो हमारा चौथा हो जाएगा माई मदर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा? तो फ्रेंड्स अगर आज का सेशन आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों को भी इससे बेनिफिट हो सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।